नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 दिवसीय बूथ विस्तारक योजना के तहत छतरपुर में राजनगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो के क्षेत्रीय सांसद वीटी शर्मा पहुंचे, जहां उदयपुरा में उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 10 घंटे की सेवाएं दी। हालांकि इस दौरान यहां पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनसे मिलने की कोशिश की गई और जब मुलाकात नहीं हो सकी तो फिर यहां पर वीडी शर्मा मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए गए। ओबीसी महासभा के पदाधिकारी काफी क्रोधित दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्हें भोपाल में भी मिलने नहीं दिया गया। अगर वे जनप्रतिनिधि हैं तो कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि जनता से नहीं मिल सकते। इन तमाम मामलों को लेकर यहां पर वीडी शर्मा वापस जाओ जैसे नारे काफी देर तक लगते रहे। ओबीसी महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ने बताया कि भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण की मांग के लिए भोपाल में आयोजित प्रदर्शन के दौरान हमें खदेड़ा था। हमने भी अपने क्षेत्र में आने वाले भाजपा के नेताओं को खदेड़ने की योजना बनाई है। इस मौके पर हंगामे के बाद जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें ओबीसी वर्ग के लिए 51% आरक्षण लागू करने, पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण लागू करने, ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने और राजनगर विधानसभा में ओलावृष्टि की मुआवजा राशि जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है।